नमस्कार, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 13 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, उसके बारे में बात करें। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लॉस फ्यूचर के संस्थापक बैंगलोर इंडिया से। नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए, 13 मुखी रुद्राक्ष होता है शुक्र के लिए। आपने देखा होगा वीडियो जहां मैं 7 मुखी भी कहता हूं कि ये भी शुक्र के लिए है, विनस के लिए है। दोनों में भेद थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण तभी करना चाहिए जब आप जैसे लड़की हैं, मासिक स्राव में समस्या हो रही हो, साथ में 2 मुखी भी जोड़ लीजिएगा 7 मुखी के साथ में, और गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम हो रहा हो या आपको पीसीओडी पीसीओ जैसी समस्या है तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और यदि पुरुष हैं, यदि आपको सेक्स संबंधी समस्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है आपको, या स्तंभन शक्ति का अभाव है, शारीरिक तौर पर आपका शुक्राणु कम है आपके चार्ट में, आप जानते हैं शुक्र ग्रह शुक्राणु उससे निकलता है स्पर्म, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है कि आपके इलेक्ट्रिकल बॉडी में काम करता है, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन पैदा करता है कि आप दूसरे लोगों को अपने उपस्थिति से ही प्रभावित कर सकते हैं। ये शक्ति आप में आ जाती है। स्पेशली यदि आप अकेले हैं, प्रेम संबंध में आप जाना चाहते हैं लेकिन आकर्षित नहीं कर पाते हैं अपने अपोजिट सेक्स को, तो 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाता है। तो जो व्यवसायी हैं, वक्ता हैं, जो लोगों से काम निकालना चाहते हैं, प्रेम संबंध में जाना चाहते हैं, तो सभी क्षेत्रों में 7 मुखी और 13 मुखी दोनों का आप जोड़ के पहन लेंगे तो सोने पे सुहागा। और चाहे इंडोनेशिया पहने, चाहे नेपाल के पहने, बजट के हिसाब से पहनेगा। यदि हाथ में पहनते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, और यदि आप छाती के बल धारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा धागा लंबा रख सकते हैं यहाँ तक आए, और स्वादिष्ट और चक्र साधना करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 7 मुखी और 13 मुखी में क्या भेद है और कैसे ये दोनों ही शुक्र ग्रह के लिए होते हैं। कितना बीड पहने आप, एक बीड पहने काफी है। कुछ लोग कहते हैं 2 बीड 3 बीड पहनने की बातें करते हैं, मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है। 2-3 बीड यदि इंडोनेशिया पहनना चाहते हैं तो उससे बजाय नेपाल के 1 बीड पहन लीजिए चलेगा, लेकिन 1 बीड काफी होता है, मैं ऐसा मानता हूं।